एयरपोर्ट में हमने कितनी बारी देखा है लोगों के बैग्स खोते हुए। आज वही इंसिडेंट हमारे साथ हो गया जब हमारी बेल्ट नंबर 4 कलकत्ता के एयरपोर्ट पे हमारा बैग नहीं मिल रहा था। हम सब के सब बहुत ज्यादा दुखी थे। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको पता चलेगा कैसे हमने अपने बैग को ढूंढा। हम लोग जा रहे थे कलकत्ता, हमारी फ्लाइट थी मॉर्निंग 10:30 की। 12:30 हम लोग पहुंच जाते और उससे पहले ही हम लोग पहुंच गए थे क्योंकि फ्लाइट हमारी काफ़ी अच्छी थी। बहुत मज़ा आया। मुझे तब बहुत मज़ा आता है जब मेरे आसपास लोग रहते हैं क्योंकि मैं इन लोगों के बीच में सोती हुई जाती हूँ। साथ वाली सीट में मेरी टीम फालतू का मजाक कर रही थी। एक बारी को तो मुझे लगा ये सच में लड़ने लगे हैं। एयरपोर्ट में मैं काफ़ी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से मिली, छोटे छोटे बच्चे जो कि मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। उसके बाद हम अपने बैग्स का वेट कर रहे थे बेल्ट नंबर 4 के आगे। वेल, मैं बता दूं, मैं बैठ गई थी क्योंकि मेरा फास्ट था, मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी। एकदम से लखन आए और मुझे बोलने लगे कि हमारा बैग मिसिंग है। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा ये कोई प्रैंक है, बट ये कोई प्रैंक नहीं था, सीरियसली हमारा बैग मिसिंग था। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी ना कि पूछो मत। मैंने हर जगह बैग देखा क्योंकि सबके बैग्स आ गए थे और सब लेकर जा भी चुके थे। बेल्ट में कोई भी बैग नहीं आ रहा था। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। हमने इंडिगो के ऑफिसर से जाके पूछा, वहाँ पर डिपार्टमेंट में जाके पूछा कि हमारे बैग्स हैं मिसिंग। दोनों बैग्स नहीं आए हम दोनों के। तो उन्होंने बोला आपको वेट करना पड़ेगा आधे घंटे का। आधे घंटे बाद हमें पता चला CISF ने हमारा बैग रोक रखा था क्योंकि उसमें लगा हुआ था फ्रेजाइल का टैग। अगर वो बैग नॉर्मल बेल्ट में आता तो उसमें कुछ भी ब्रेकेज हो सकता था क्योंकि हमारे बैग में हमेशा बहुत ही एक्सपेंसिव सामान होता है जिस वजह से हम फ्रेजाइल टैग लगाते हैं। अगर आपका बैग भी ऐसे मिसिंग होता है तो आप डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हो, वो आपकी अच्छे से हेल्प करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हेल्प हुई थी। खुशी से मेरा ठिकाना नहीं था, मेरे को और भी बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले। फिर उस बैग में मैं बैठ गई क्योंकि फ्रेजाइल का टैग ज़रूर लगाया था लेकिन ये बैग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें बैठ के मैं हमेशा ऐसे ही जाती हूँ, या तो मेरी बहन मुझे लेके जाती है या फिर मेरा हस्बैंड। बड़ा ही मज़ा आता है ऐसे जाने में। लखन का बैग ट्रॉली में रख गया था लेकिन मुझे मेरा बैग ट्रॉली में नहीं रखना था। खुशी ही अलग हो रही थी क्योंकि मुझे मेरा बैग वापस मिल गया था। बाय गॉड, ये खुशी ना अलग ही होती है जब आपका बैग खो जाता है और फिर मिल जाता है। फिर हमें करनी थी टैक्सी यहाँ से बुक। मुझे तो येलो टैक्सी में बैठने का बहुत ज़्यादा मन था तो मैं आसपास येलो टैक्सी देख रही थी लेकिन हमारा सामान इतना ज़्यादा था कि येलो टैक्सी में आ नहीं पाता, इसीलिए हमने बड़ी कार करवाई। बड़ी कार करवाने का यही फ़ायदा है क्योंकि उसमें आपका सामान आ जाता है। देखो किस तरह मेरे बैग को रखा जा रहा है क्योंकि उसमें फ्रेजाइल का टैग लगा हुआ था और सामान भी कुछ ऐसा ही था। वेल, हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। येलो टैक्सी का सपना अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ लेकिन कलकत्ता में मैं 3 दिन तक हूँ, अपना सपना पूरा कर ही रहूँगी। यहाँ पर वेलकम ड्रिंक हमें मिली थी, ये जूस जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था सूंघने में, लेकिन फिर मुझे याद आया मेरा फास्ट है, अगर ये जूस इधर उधर हुआ तो मेरा फास्ट टूट सकता है, इसलिए मैंने वो जूस नहीं पिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट्स करके बताना। बाय बाय, लव यू ऑल।